हेलो स्टूडेंट, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और उसमें भी हम लोग ये देख रहे थे कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो वाटर को तीन तरीके से हम लोग रिएक्शन करवाते थे, विद हॉट वाटर, विद कोल्ड वाटर एंड विद स्टीम। तो हम लोग काफ़ी रिएक्शन देखे थे आपका, पोटासियम से लेकर के आयरन तक। तो एक थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं आपका कि जब कभी भी आपका मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ होता है लेकिन कोल्ड कंडीशन में, तो वहाँ पर हम लोग क्या मिलता है आपका, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिलता है। जब मेटल का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग हॉट वाटर के साथ, तो अगेन हम लोग को मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मिलता है। और जब मेटल का रिएक्शन स्टीम से करवाते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस मिलता है। तो अगेन मैं इस चीज़ को रिपीट यहाँ पर कर देता हूँ बेटा, ओके। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले कि मेटल प्लस वाटर है ना, तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर ये जो H2 है बेटा, ये कोल्ड कंडीशन में, कैसा कंडीशन है इसका, कोल्ड कंडीशन में, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर देख, ये आपका H2 गैस है। अगेन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका मेटल प्लस H2O, लेकिन यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका हॉट, क्या है ये, हॉट कंडीशन है। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या मिलेगा, H2 गैस। और थर्ड कंडीशन था आपका, मैंने लिखा था यहाँ पर मेटल प्लस H2O, बट यहाँ पर क्या है बेटा आप लोग का, स्टीम है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, ओके। तो हम लोग सारा रिएक्शन वहाँ पर देख रखे थे आपका पोटासियम से लेकर के आयरन तक। तो मैं आपका आयरन से ही शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आयरन कभी भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो कंडीशन है यहाँ पर स्टीम रहेगा, क्या रहेगा, स्टीम रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, रेड हॉट रहेगा। आयरन को रेड हॉट कंडीशन होना चाहिए और साथ में स्टीम होना चाहिए। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड मिले Fe3O4 मिलेगा और साथ में मिलेगा आपका H2 गैस मिलेगा। उसके बाद हम लोग को तीन मेटल हम लोग को मिलता है, आयरन के बाद कौन सा है आपका, लेड, और लेड के बाद कौन सा है आपका, कॉपर, और कॉपर के बाद कौन सा है आपका, कॉपर के बाद है आप लोग का मरकरी है ना, मरकरी के बाद कौन सा है आपका, सिल्वर, सिल्वर के बाद है आपका गोल्ड, और उसके बाद क्या है आपका, प्लैटिनम, क्या है, प्लैटिनम। तो ये जो लेड से लेकर के प्लैटिनम तक, ये आपका स्टीम से भी रिएक्शन नहीं, तो यहाँ पर लिखता हूँ आपका इवन डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, इवन डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये सब सारी बातें थी आपका रिएक्शन विद वाटर, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे आपका रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड है ना। तो ये हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी चलेगा आपका, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर आपका रिएक्शन विद एसिड। तो सबसे नंबर वन रिएक्शन कौन सा है, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कभी भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, डाइल्यूट, क्या है, डाइल्यूट। तो इन जनरल हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिलता है, क्या मिलता था हम लोग को, मेटल मतलब सॉल्ट मिलेगा और प्लस में क्या मिलेगा यहाँ से, H2O वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, H2O वाटर, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है।
मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन कंडीशन है डाइल्यूट, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। अब हम लोग यहाँ से वन बाई वन करके हम लोग रिएक्शन को देख रहे हैं। तो सबसे पहले था हम लोग को पोटासियम, तो पोटासियम कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, पोटासियम वाटर के साथ नहीं, हम लोग किसके साथ देखना है आपका, एसिड के साथ। तो पोटासियम कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जैसे मैंने HCl लिया डाइल्यूट है ना, तो हम लोग क्या मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2O वाटर मिल जाएगा। तो इसको बैलेंस भी करना है हम लोग को पड़ेगा। तो पोटासियम वन है, यहाँ पर ही पोटासियम वन है, क्लोरीन वन है, क्लोरीन वन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, बट बेटा यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है कि वाटर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग को, H2 गैस मिलेगा, क्या मिलेगा, H2 गैस। पोटासियम रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ, हम लोग क्या मिलेगा, पोटासियम क्लोराइड प्लस H2 गैस मिलेगा, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पोटासियम बैलेंस करेंगे, वन पोटासियम वन क्लोरीन वन क्लोरीन, बट यहाँ पर हाइड्रोजन वन है, यहाँ पर कितना है आपका, टू हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर दो क्लोरीन, तो दो क्लोरीन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, दो पोटासियम हो जाएगा, ठीक है। तो पोटासियम का रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ देखें, हम लोग ये भी कर सकते हैं आपका पोटासियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ भी करवा सकते हैं, किसके साथ, H2SO4 के साथ भी, तो क्या मिलेगा हम लोग को, पोटासियम सल्फेट K2SO4 और साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा आपका, H2 गैस। बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, वन पोटासियम टू पोटासियम, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू पोटासियम सल्फर, यहाँ पर सल्फर एक है, यहाँ पर भी सल्फर आपका एक है, ऑक्सीजन फोर हाइड्रोजन टू है, यहाँ पर हाइड्रोजन टू है, ऑलरेडी रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस है, ठीक है। अगेन हम लोग देखेंगे आपका सोडियम का रिएक्शन, तो पोटासियम देख लिए, अब देखते हैं सोडियम का रिएक्शन, तो लिखेंगे यहाँ पर सोडियम रिएक्ट करेगा आपका HCl के साथ, लेकिन कैसा कंडीशन है, डाइल्यूट है, तो क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2 गैस मिलेगा, क्या मिलेगा, H2 गैस। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर वन सोडियम क्लोरीन वन है, क्लोरीन वन है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी टू कर दिया और यहाँ पर भी आपका टू कर दिया, ठीक है। अगेन सोडियम का रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 डाइल्यूट, तो हम लोग क्या मिलेगा आपका, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। अगेन ये रिएक्शन दो सोडियम, तो यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, दो हाइड्रोजन सल्फेट आयन रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। तो पोटासियम देखे, सोडियम देखे, अब हम लोग कैल्शियम देखने जा रहे हैं, तो कैल्शियम का रिएक्शन कर रहा हूँ बेटा HCl के साथ डाइल्यूट के साथ, तो क्या मिलेगा हम लोग को, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस। तो यहाँ पर भी डाइल्यूट लिख देना बेटा, यहाँ पर भी डाइल्यूट लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका डाइल्यूट एक्वस कर दिया, यहाँ पर भी क्या है आपका, H2 गैस लिख दिया, ठीक है। तो कैल्शियम जब रिएक्शन किया HCl के साथ तो क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 गैस, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर वन कैल्शियम क्लोरीन वन है, यहाँ पर टू क्लोरीन कर दिया, टू हाइड्रोजन ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस हो गया। कैल्शियम के बाद है बेटा आप लोग का मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ डाइल्यूट, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, MgCl2 और साथ में H2 गैस, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया आपका एक्वस मैग्नीशियम टू क्लोरीन, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीशियम हो गया। अगेन यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम, क्या है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का रिएक्शन मैं कर रहा हूँ आपका HCl के साथ, अगेन यहाँ पर डाइल्यूट कर दिया, तो क्या मिलेगा हम लोग को, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस। तो यहाँ पर देखेंगे
कि एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर इसको बैलेंस काम करते हैं, यहाँ पर 2 कर दो आप लोग, और यहाँ पर 6, अगेन यहाँ पर 2 कर देते हैं, और यहाँ पर आपका 3। तो देखें यहाँ पर 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो गया, क्लोरीन 6 है, और क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब इसको इनिशिएट करते हैं इस रिएक्शन को, तो ये स्टार्टिंग में काफ़ी स्लो प्रोसेस में चलता है, लेकिन बाद में ये फास्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? जब हम लोग इस रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं तो इनिशियली रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस में चलता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका वजह ये है कि यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उस ये क्या करता है, इसको डिस्टर्ब करता है, और वंस ए प्रोटेक्टिव लेयर यहाँ से एल्युमिनियम से हट जाता है और रिमूव होने के बाद ये रिएक्शन काफ़ी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर नोट में एक लिख रहा हूँ आपका, ध्यान दीजिएगा कि एट फर्स्ट एल्युमिनियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली, एल्युमिनियम रिएक्ट्स स्लोली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड वंस दिस लेयर इज रिमूव्ड रिएक्शन विल बी फास्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए लिख के बात को, कि मान लो ये जो है आपका एल्युमिनियम है, लेट अस सपोज, एक मिनट सोचते हैं कि एल्युमिनियम है, तो होता क्या है कि एल्युमिनियम जो होता है ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखता है, और एक जैसे ज़्यादा एफिनिटी होने की वजह से क्या होता है कि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर बन जाता है, और उसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। और जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, तो यही वजह है कि जब हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं इनिशियली, तो रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर हट गया, रिमूव हो गया, तो रिएक्शन काफ़ी क्या हो जाता है आपका, फास्ट हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि एट फर्स्ट एल्युमिनियम रिएक्ट स्लोली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड वंस दिस लेयर इज रिमूव्ड रिएक्शन विल बी फास्ट। बात को समझना है, ठीक है। अब एल्युमिनियम के बाद कौन सा आता है आपका, जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिंक, तो देखेंगे जिंक का, तो जिंक प्लस HCl यहाँ लिखा, और यहाँ पर है क्या आपका डाइल्यूट, ठीक है। जिंक जब डाइल्यूट HCl के साथ एक करेगा रिएक्शन, तो क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड, और प्लस में क्या मिलेगा हम लोग को, H2 गैस, ठीक है। यहाँ भी कर दिया आपका एक्वस, और जिंक के बाद क्या है आपका आयरन, क्या है आयरन, यहाँ पर आयरन जब HCl के साथ रिएक्शन किया डाइल्यूट के साथ, तो हम लोग क्या मिलेगा, आयरन क्लोराइड FeCl2, और साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस, क्या मिलेगा, H2 गैस। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ आपका एक्वस लिख रहा हूँ। अब ये जो एक कंडीशन है लेड का, लास्ट में क्या है आयरन के बाद लेड, तो लेड जो है HCl के साथ तो रिएक्शन करता है, नो डाउट लेड HCl के साथ रिएक्शन करेगा, नो डाउट, बट कंडीशन ये है कि ये कंसंट्रेटेड के साथ करेगा। क्यों कंसंट्रेटेड के साथ करेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग टॉप से बॉटम की ओर चल रहे हैं ना,
पोटासियम देखा, सोडियम देखा, सोडियम और कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम देखा, जिंक, आयरन, लेड। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप से बॉटम चल रहे हैं तो हो क्या रहा है कि रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो लेड जो है थोड़ा लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये डायल्यूट के साथ न रिएक्शन करके किसके साथ कर दिया रिएक्शन, कंसनट्रेटेड के साथ। और जैसे ही लेड HCl बट कंसनट्रेटेड के साथ करेगा तो हम लोग क्या मिलेगा आपका PbCl2 और साथ में क्या मिलेगा H2 गैस मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बच गया आपका कॉपर, क्या बच गया कॉपर, बच गया कॉपर। उसके बाद कौन सा है आपका मरकरी है, मरकरी के बाद कौन सा है आपका सिल्वर, और सिल्वर के बाद कौन सा है आपका गोल्ड, और गोल्ड के बाद क्या है आपका प्लैटिनम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से लेकर के आपका Ag तक, ठीक है, कॉपर मरकरी एंड सिल्वर ये जो है आपका डाइल्यूट के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, करता है किसके साथ, कंसंट्रेटेड के साथ करता है। तो लिख रहा हूँ आपका कि कॉपर मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, Do not react with dilute acid, but react with concentrated acid। किसके साथ रिएक्शन करता है आपका, concentrated acid के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, but react with concentrated acid and Do not produce hydrogen gas, और hydrogen gas नहीं बनाता है, hydrogen gas क्या बनाता है आपका water बनाता है। और ये जो दोनों बच गए आपका gold और platinum, यहाँ लिख रहा हूँ these two metals Do not react with either, do not react with, do not react with do not react with either dilute or